की उतारो श्री राम रघुवर की, राम रघुवर की श्री राम सियवर की। गुरुवर, आज सिद्धार्थ प्रथम बार महाराज के साथ शाक्य न्याय सभा में जा रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सिद्धार्थ, गुरुवर के पांव छू। सदायुषी भव, कीर्तिमान भव, कुल देवता सूर्य समान तेजस्वी भव। दीजिए प्रसाद। नहीं, आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है कुमार। कहाँ आपका आशीर्वाद, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या न्याय सभा जाने के लिए इतने आभूषण पहनना आवश्यक है माँ? हाँ, क्यों? तभी तो तुम युवराज लगोगे। तो क्या आभूषण ना पहनने से युवराज युवराज नहीं होते? तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं प्रश्न होना चाहिए था। महादेवी, युवराज को काला टीका लगा दे, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि ना लग जाए। लीजिए देव, युवराज न्याय सभा जाने के लिए सज्ज है। मुझे इतने आभूषण पहनाती हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। पुत्र, तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें उठाना ही होगा। चलें। क्षत्रिय ऐसे नहीं है, ऐसे चलते हैं। आप सभी का कपिल वस्तु की न्याय सभा में स्वागत है, और स्वागत है हमारे युवराज सिद्धार्थ का और कुमार देवदत्त का भी, जो आज प्रथम बार कपिल वस्तु की न्याय सभा में उपस्थित हुए हैं। युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज शुद्धोदन की आज्ञा से अब आज की न्याय सभा आरंभ की जाती है। अब दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सम्मुख उपस्थित होंगे। प्रणाम महाराज। क्या याचना है? महाराज, मेरी याचना इस कुशल के विरुद्ध है। इसने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि वो अनाज इस वर्ष मुझे लौटा देगा, मगर महाराज आज तक इसने वो अनाज मुझे लौटाया ही नहीं। कैसे लौटाऊं महाराज, पिछले 2 साल से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये असत्य बोल रहा है महाराज। आप चाहे तो अपनी सिपाही से पूछ सकते हैं, जब सिपाही इसे लेने आया था उस समय भी ये अपने गेहूं को तेल लगाकर उसे बोरियों में भर रहा था। महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा। महाराज, गेहूं को तेल लगा के इसलिए रख रहा था कि वो खराब ना हो, और आपके सिपाही मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। वो 2 बोरी गेहूं भी मैं इनको दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या? महाराज, अगर ये अनाज नहीं दे सकता तो इसे कहिए कि ये अपने खेत दे दे। अगर मैं खेत दे दूंगा तो अनाज कभी ना लौटा पाऊंगा। महाराज, दोनों पक्षों ने अपनी राय रख दी है, अब महाराज न्याय करेंगे। युवराज सिद्धार्थ, कुमार देवदत्त, पहले मैं न्याय दूंगा। अवश्य। महाराज, मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया वचन, पूरा नहीं किया
इसीलिए कुशल को अपना खेत गौरी को देना चाहिए। महाराज ऐसा न्याय न करें, महाराज हम नष्ट हो जाएंगे, दया करें महाराज। कुमार सिद्धार्थ तुम कहो। महाराज यदि कुशल कौरी को गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा, खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा और गौरी को उसका अनाज कहाँ से लौटाएगा। वैसे भी गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाए। मैं देवदत्त के न्याय से सहमत हूँ। यदि व्यापारी अपना वचन पूर्ण नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा, इसलिए कुशल को गौरी को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। क्षमा करें महाराज, चलते समय मेरे पास जितने पंड थे वो सब गौरी को दे दिए मैं। महाराज इसने मुझे कुछ नहीं दिया। महाराज गौरी असत्य कह रहा है। महाराज मैं असत्य क्यों बोलूंगा। महाराज आप कहें तो मैं सत्ता का पता लगा सकता हूँ। ठीक है तो करो परख, कौन है सत्य और कौन असत्य। सिक्के दो गौरी। किंतु युवराज ये सिक्के तो मेरे हैं। ये सिक्के कुशल के ही हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सिक्के कुशल के ही हैं? क्योंकि जब कुशल ने सिक्के दिए तब वो गेहूं को तेल लगा रहा था और तेल सिक्कों पर लगा है। जवाब महाराज, जवाब ये सिक्के कुशल के ही है महाराज, कुशल के। इससे ये प्रमाणित होता है कि कुशल ने गौरी को सिक्के दिए थे और इसके नियत में कोई खोट नहीं। कुशल के अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। 10 सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया महाराज, अंधा बना दिया। मैं अगर आज के बाद असत्य बोलो तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज गौरी को क्षमा कर दीजिए, अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। यदि इस न्याय सभा में कोई तुम्हारा उत्तरदायित्व लेता है कि तू दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ महाराज। देखा गौरी, तुम्हारा उत्तरदायित्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए तुम्हें 10 कोड़े मारने का दंड। महाराज गौरी का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। आज से ये कभी असत्य नहीं बोलेगा। सिद्धार्थ पता है उत्तरदायित्व लेने का अर्थ क्या है? यदि गौरी ने दोबारा असत्य कहा तो कोड़े तुम्हें खाने होंगे। हाँ ज्येष्ठा, पर गौरी तो यातना से बच जाएगा ना। युवराज सिद्धार्थ की जय हो। युवराज 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 की जय हो। युवराज
की जय हो, युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। सारे नगर में सिद्धार्थ की न्याय कुशलता की चर्चा हो रही है। पूरा कपिलवस्तु खुश है। क्या हुआ देव, क्यों मन अशांत है? आज तो आपके क्षत्रिय ने पूरी न्याय सभा जीत ली। न्याय करना क्षत्रिय का लक्षण है और बुद्धिपूर्वक न्याय करना ज्ञानी का लक्षण, परंतु अपराधी का उत्तरदायित्व लेना करुणा का लक्षण है प्रजापति। और राज्य करुणा से नहीं चलता, राजा को वज्र से भी कठोर होना चाहिए। जब अपराधी के चमड़ी पर कोड़े पड़ते हैं तो उसे उसकी पीड़ा नहीं अपने न्याय के गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। किंतु देव, युवराज अभी बालक है और सुबह की धूप कच्ची ही होती है। इसी कच्ची धूप को प्रखर करने का समय आ गया है प्रजापति। ठीक कहा, हम सिद्धार्थ को तक्षशिला के गुरुकुल भेजेंगे। सिद्धार्थ तक्षशिला नहीं जाएगा। तो क्या आप सिद्धार्थ को गुरुकुल की शिक्षा से वंचित रखेंगे? मैं उसके लिए यही गुरुकुल बनाऊंगा। मेरी आंखें ही उसके लिए तक्षशिला होगी। हमारे कुल के सभी बालक एक साथ यही पढ़ेंगे कपिल वस्तु में। भोजन पर क्रोध नहीं करते देवता? क्यों ना करूं, मुझे सब पर क्रोध आ रहा है। मेरा न्याय उचित था, महाराज भी सहमत थे, फिर भी प्रजा ने सिद्धार्थ के राम की जय जयकार की। क्यों? आंसू पोंछो देवदत्त, इस भांति रोते नहीं, अब तुम बड़े हो गए। यदि आप महाराज से बड़े होते तो राजगद्दी हमारी होती। देवदत्त, सची तो कह रहा है वो, इस भांति बड़ा होकर भी देवता छोटा नहीं बनता। आप इसके पिता हैं, आपके आंखों में इसके आंसुओं का कोई मूल्य नहीं। क्या चाहते हैं आप? कि देवदत्त भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे घूमता रहे जैसे कि आप महाराज के पीछे घूमते हैं? मंगला, अब देखना देवदत्त के आंसुओं का मूल्य कौन चुकाता है, महाराज सिद्धोदत्त अथवा युवराज सिद्धार्थ। लीजिए महाराज, ज्यों की त्यों है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ध्यान रहे, किसी को पता ना चले। महाराज, अगर मुंह बंद करने का कुछ मूल्य मिल जाता तो। ऋण तो मैं स्वयं भी नहीं रखता। अरे इधर 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 इधर। खेलोगे हमारे साथ? नहीं। कुमार वहां मत जाइए, वहां युवराज खेल रहे हैं। चल।
यही वो लड़का है महादेवी। क्या नाम है तुम्हारा? चन्ना, चन्ना महादेवी। ये तुम्हारा पुत्र है सूर्य? जी। भीतर आओ। जी नहीं युवराज, मैं आज ठीक हूँ। वो सारथी पुत्र है, वो भीतर नहीं आ सकता। क्यों? वो ओछी जात के हैं, उन्हें छूते नहीं। ओछी जात? ये जात क्या है? जैसे आप युवराज हैं और वो सारथी पुत्र है, तो वो मुझसे भिन्न कैसे? आपका जन्म राजप्रासाद में हुआ है, इसलिए आप युवराज हैं, और वो छोटे घर में रहता है, इसलिए सारथी पुत्र है। इसमें क्या भिन्नता है? घाव होने पर उसे भी तो रक्त आता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। पर मैं तो अभी समझना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं छूते, हम ओछी जाति के हैं, हमें छूना पाप है। आज यदि ये मुझे छूता नहीं तो मैं बचता कैसे? मैं तो घायल हो जाता। महादेवी, देवदत्त कैसा है? उन्हें अधिक चोट आई है और ये बात तो मुझे अब बता रही है। चल। देवदत्त, महाराज को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है? देवदत्त कैसा है मंगला दीदी? देखो ना, सिद्धार्थ को बचाते बचाते घोड़े पर से गिर गया। भाइयों का प्यार तो देखो जरा। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? ये हटाओ इसे यहाँ से, इसी के कारण सब कुछ हुआ। यही बीच में आ गया था और मैं अश्वनियंत्रण खो बैठा और गिर पड़ा। हटाओ इसे यहाँ से, ओछी जात। ये मेरे साथ है ज्येष्ठा? यदि ये तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। देवदत्त, क्या कह रहे हो? युवराज है ये? कोई बात नहीं मंगला दीदी, हमें तो इस बात का संतोष है कि दोनों कुमार स्वस्थ हैं। एक बात और मंगला दीदी, ये बात महाराज तक ना पहुंचे, अन्यथा अकारण ही युवराज को लेकर चिंतित हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि महाराज को पता ना चले। देवदत्त! अच्छा अवसर चला गया हाथ से, अन्यथा आज तो मेरा आखेट बन ही जाता। आखेट करना है तो धैर्य रखना सीखो, अन्यथा स्वयं ही आखेट बन जाओगे। गौरी नंदन जी, कहिए क्या आदेश है? महाराज के आदेश का पालन होना चाहिए। जी। सब कहाँ जा रहे हैं यार? हम सब हर वर्ष की भांति वक्र मंगल उत्सव के लिए जा रहे हैं। तो क्या हर वर्ष की भांति अमिताभ बुआ भी आएगी? हाँ आएंगे। और यशोधरा? वो भी आएगी। हरि ओम अग्नेन्द्र
अव्यवाहमुपप्रवे देवाम आशा। महाराज, खेतों की उपज फूले फले इसलिए भगनी और ब्राह्मणों को भोदान दीजिए। परंतु हमारी भगिनी अभी तक देवदास से आई नहीं गुरुवर। यशोद्रा, क्या ये तुम्हारा हाथी है? हाँ, कंज है इसका नाम। क्या ये मेरा मित्र बनेगा? हाँ, बनेगा। वैसे तो वो रथ या पालकी से आती है, इस बार वो हाथी पर कैसे आई? यात्री जानबूझकर हमें नीचा दिखाने भेजा है महाराज दंडपानी ने, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वो हमसे अधिक धनी है। यह हाथी नहीं महाराज, उनका अहंकार है। पल्लू से ढक दिया मेरी पुत्री को, इसका अर्थ जानती हो क्या? अब से ये तुम्हारी हुई। तुमसे किसने कहा कि ये पराई है? ये तो पहले से ही हमारी है, क्यों यशोद्रा? भैया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कपिलवस्तु के खेतों की उपज फले फूले। Oh!
क्षत्रिय। युवराज की जय हो। 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 अब मैं पासे फेंकता हूँ। चौसर खेलते समय सामने वाले के मुख की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए, उसके हाथों की ओर ध्यान होना चाहिए, अन्यथा वो कपट कर सकते हैं। क्या उस हाथी जैसा तुम्हें मेरे सर पर भी कांटा दिखाई दे रहा है? निकाल दो, निकाल दो, निकाल। ये देखिए, इसका रंग इतना भिन्न क्यों है? अब क्या उत्तर देंगे, कैसे समझाएंगे कि सफेद बाल वृद्धत्व का संकेत है? फिर वो पूछेगा वृद्धत्व क्या होता है? कुमार, जैसे आपके छोटे पुराने दांत टूटकर नए दांत आ गए, उसी प्रकार बालों का रंग बदलकर वो गिर जाते हैं और उसकी जगह पे नए बाल आ जाते हैं। वैसे जैसे पेड़ की पत्तियां अपना रंग बदलती हैं। बिल्कुल वैसे है। सही समय पे आई, युवराज को नींद आ रही है, ले जाओ। युवराज का ध्यान सूक्ष्म बातों पर, बुद्धि कशाग्र है और निरीक्षण तीक्ष्ण। आज तो बात टल गई, किंतु कल? कल घोषणा कर दी जाएगी, राजप्रसाद में सब सर ढक कराएंगे। और स्त्रियां? सर पर मेहंदी के पत्तों का लेप लगाएंगे, केश का रंग बदल जाएगा। नहीं देव, क्या हम सिद्धार्थ को सच्चाई नहीं बता सकते? अतीत की आलोचना मनुष्य को उदास करती है और भविष्य की कल्पना उसे निर्बल, इसलिए वर्तमान में जियो प्रजापति। मेरे लिए हर वो सत्य असत्य है जो सिद्धार्थ को जीवन की व्यथा का परिचय दे। और हां, सिद्धार्थ को प्रातःकाल जगा देना, गुरुजन आ रहे हैं। जैसे आपके छोटे पुराने दांत टूटकर नए दांत आ गए, उसी प्रकार बालों का रंग बदलकर वो गिर जाता है। युवराज, ये सारे ब्राह्मण वेद के अंग हैं। गुरु कौंडिल्य आपको शास्त्र की शिक्षा देंगे, गुरु अश्वपाल तुम्हें घुड़सवारी सिखाएंगे, राजनीति का ज्ञान गुरुवर्य तुम्हें देंगे, छंद एवं व्याकरण गुरुवर्य आपको सिखाएंगे। ये खगोल शास्त्र के वेद विज्ञान में कुशल है। आज से ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे गुरु हैं, इनके आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है, इनसे आशीर्वाद लो। तो तुमने शिक्षा न प्राप्त करने का हक छोड़ ही दिया, अब से तुम सिद्धार्थ के साथ ही पढ़ोगे। जी महाराज, कह रहा था जब युवराज सिद्धार्थ पढ़ाई करने गुरुकुल जा रहे हैं तो मैं अकेला क्या करूंगा। Thank you.
महाराज, हाथी और कुवारी का सामने आना अच्छा शगुन है। युवराज अवश्य महान विद्वान बनेंगे। क्षमा करें गुरुवर्य, केवल महान विद्वान नहीं, महान राजा बनेंगे। ऐसा योद्धा जिसे संपूर्ण भारतवर्ष ने कभी ना देखा। ये क्या है? दीपक। ये दीपक ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है। वो कैसे? ज्ञान का प्रतीक इसलिए कि जब यह प्रकाशित होता है तो हम निकटतम जगत को जान लेते हैं, और ध्यान का प्रतीक इसलिए कि जब यह प्रकाशित होता है तब सबका ध्यान उसी की ओर आकर्षित होता है। शिक्षा का प्रारंभ हम ब्रह्मनाद से करेंगे, अर्थात ओम के उच्चारण से करेंगे। जब तक ये दीपक मंगल नहीं हो जाते, सबको उच्चारण करते रहना होगा। मेरी फेंकी गिल्ली सिद्धार्थ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, रात तक भी नहीं। गिल्ली मिल गई, गिल्ली मिल गई जयसो। लो, तुम तो कहते थे कि सिद्धार्थ तुम्हारी गिल्ली कभी नहीं ढूंढ पाएगा, ढूंढ ली ना उसने गिल्ली। अब तुम अपनी आंखें बंद करो, चलना अब तुम्हारी बारी। मिल गई गिल्ली, मिल गई, ढूंढ ली मैंने सिद्धार्थ से भी कम समय में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गिल्ली तो यहाँ है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी गिल्ली कैसे ढूंढ सकता है? अवश्य इसने कपट किया है, इसने हमें दूसरी गिल्ली दिखा दी। नहीं, सिद्धार्थ असत्य कभी नहीं बोल सकता। तो मैं असत्य बोल रहा हूँ, ध्यान रहे मैं जयेश हूँ, कपट सिद्धार्थ ने ही किया है। देखा कैसे चला गया। क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या हुआ सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ, तुमने असत्य कहा, तुमने कपट से खेल जीता। महाराज को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा जानते हो तुम? तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी मुझे। सच कह के हार जाते तो इतना दुख नहीं होता। तुम्हारा दंड यह है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी।
मैंने फेंकी थी। देखो इसका कोना टूटा है। रिश्ता की दिखाई हुई गिल्ली दूसरी थी। कपट चिंता से नहीं किया महादेवी। आप रो क्यों रही हो माँ? पुत्र तू सही था तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि असत्य तूने नहीं देवदत्त ने कहा था? माँ आप ही ने तो कहा था बड़ों का मान रखना। मैं चेष्टा को झूठा कैसे कहता? यदि वो झूठा प्रमाणित होते तो उन्हें दंड मिलता। किंतु दंड तुझे मिला सिद्धार्थ। असत्य का आचरण देवदत्त ने किया। तू सच क्यों नहीं बोला? मैं सच्चा था इसलिए चुप रहा। क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है उसे कोई छुपा नहीं सकता। ऐसा मैंने गुरुजी कहते। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता पुत्र। स्वयं को बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। अर्थात झूठ का आचरण करता? पुत्र खरे सोने में भी जब मिलावट होती है ना तभी आभूषण बनता है। अब से याद रखूंगा माँ। अच्छा बता अब मेरा क्या प्रायश्चित है? अकारण ही तुझे दंड दिया। तुम्हारे सुर करुणा से भरे हैं प्रजापति। तुम दुखी हो। हां देव एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वह अपने पुत्र को समझ ही नहीं पाई। ऐसा लगता है जैसे 8 साल की उम्र में कोई 80 साल का विचारक बंदी। देव पत्थर सामने आ जाए तो पेड़ की जड़ें भी उन्हें काट कर अपना रास्ता बना लेती हैं। किंतु यह बालक यह तो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं। सामान्य मनुष्य स्वार्थ भी नहीं। उसे दंड देकर तुम स्वयं को दुखी कर रही हो प्रजापति। उसे लड़ना सिखाइए। सिद्धार्थ को लड़ना सिखाइए देव। तुम चिंता मत करो देवी। मेरे जीवन का ध्येय यही है कि सिद्धार्थ भारतवर्ष का सबसे बड़ा योद्धा बने। वो सम्राट सिद्धार्थ गौतम कहलाए।